गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि हमारा एक कॉलोनी है, उसमें कुछ दिनों के बाद डिवीज़न होने वाली है। तो वो यही वाली कॉलोनी है जिसमें अभी मैं डिवीज़न करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अभी देखा था कि इसमें क्वीन सेल्स बनाए हैं इसने। तो क्वीन सेल्स बनाने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि इसको स्प्लिट करूँगा, डिवीज़न करूँगा। और डिवीज़न करने के लिए किन किन चीज़ों का अपने ध्यान रखना है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपने क्वीन को फाइंड करना है, क्योंकि क्वीन को हमने उसी बॉक्स में रखना है जिससे हमने क्वीन सेल्स को हटाना है, दूसरे बॉक्स में ले जाना है। तो क्योंकि हम क्वीन को ओल्ड बॉक्स में ही रखेंगे और वहाँ से हमने क्वीन सेल्स को निकालना है, लेकिन उसके लिए हमें क्वीन पहले ढूंढी होनी है। तो और हमने क्या करना है कि यहीं पर जो मेरा ये जो बॉक्स है, इसी जगह पे मैंने दोनों अपने बॉक्स रखे हैं। तो ये देखें आप, ये निशान में रखता हूँ, ये इसका एंट्रेंस है पहले वाला। तो मैं क्या करूँगा, इस बॉक्स को इधर करूँगा और दोनों की एंट्रेंस जो है दोनों बॉक्सों के सेंटर में रखूँगा। तो आप बने रहे वीडियो के साथ, मैं दिखाता हूँ कि कैसे क्या करना है। तो मैं क्या करूँगा कि इस बॉक्स को पहले इधर साइड कर लूँगा। तो साइड करने के लिए बड़े तरीके से आपने भी करना है, बीज को हर्ट नहीं करना है। ये देखिए, मैंने निशान रखा था, ये दोनों बक्सों का मैंने सेंटर रखना है। तो अब मैंने दूसरा बॉक्स भी इसके साइड में इसी तरह से रखना है, उसका सेंटर और इसका, ये यहाँ पे आ जाएगा पहले वाले की एंट्रेंस के सामने। तो ये मैंने देखो दूसरा बॉक्स इसके बिल्कुल साथ में जो सेंटर वाला निशान वहाँ पे रखा है, देखो कुछ बीज इधर आ रही हैं, कुछ वहाँ पे जा रही हैं। इसी तरह से ये बीज बाद में भी ओरिएंटेशन इनकी जो रहेगी वो दोनों में डिवाइड हो जाएगी। तो इससे क्या होता है कि जो हम इस तरीके से करते हैं कि दोनों बीज बॉक्सेस में बीज बराबर बराबर जाएंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, उस बॉक्स से फ्रेम्स विद बीज और ब्रूड इस वाले बॉक्स में डालूंगा। ये जो नया बॉक्स, इसमें मैंने फीडर भी साथ में रखा है कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो इसको फीडिंग भी करेंगे। फिलहाल आजकल तो अब ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मौसम आजकल बिल्कुल ड्राई है, ड्राई मौसम की वजह से हमें फीडिंग बीच में कहीं करानी पड़ेगी, क्योंकि तकरीबन दो महीने होने के आए तो बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। तो ड्राई सीज़न भी बीज के लिए अच्छा नहीं होता है। ओल्ड वाला बॉक्स है, तो इसमें से मैं फ्रेम ढूंढ के निकालूंगा जिनमें क्वीन सेल्स हैं। एक ये वाला फ्रेम है, इस पर भी एक क्वीन सेल है जो अभी कैप नहीं हुआ है पूरा। मैं आपको दिखाऊंगा, क्वीन सेल यहाँ पे है, कोई बी इसको फीड कर रही है, इसमें लार्वा भी है अंदर से, मैंने अभी देखा है क्वीन लार्वा और विद रॉयल जेली। और इस फ्रेम को भी मैं शिफ्ट करूँगा, लेकिन पहले मैं क्वीन ढूंढने की कोशिश करूँगा कहीं इस पर क्वीन तो नहीं है। इस पर फिलहाल क्वीन मुझे नज़र नहीं आ रही है, उसको मैंने मार्क भी किया हुआ है, तो मार्किंग की वजह से क्वीन को ढूंढना थोड़ा आसानी हो जाती है। तो ये क्वीन सेल आपने देख ही लिया, तो इसको भी मैं शिफ्ट करता हूँ नए वाले बॉक्स में। दूसरा बॉक्स ये वाला है, ये देख सकते हैं आप क्वीन सेल्स, इसमें भी दो है, एक तकरीबन सात दिन का ये वाला हो गया है और दूसरा अभी इसमें क्वीन आज ही मेरे ख्याल से इसमें अंडा डाला क्वीन है, लेकिन ये वाला तकरीबन छः सात दिन का है, तो इसको भी मैं उसी में डालूंगा। क्वीन ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्वीन इसमें नहीं है, तो इसको भी मैं इस वाले बॉक्स में डाल देता हूँ।
एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, ऑलमोस्ट आठ फ्रेमों पे है ये। इसमें मैं चार फ्रेम्स इसमें रखूँगा, पांच फ्रेम्स मैं उसमें डालूँगा और चार इसमें रखूँगा, और इसमें मैं फ्रेश कुछ फ्रेम्स भी दूँगा फाउंडेशन शीट के साथ, क्योंकि इसमें ओल्ड क्वीन है तो ये ज़्यादा एग्स वगैरह दे रही है और इसमें तादाद फिर से ज़्यादा हो जाएगी। और उस वाले बॉक्स में मैं क्या करूँगा, उसमें कम से कम पाँच फ्रेम डालूँगा मैं, तो उसमें क्योंकि फ्रेश क्वीन आएगी उसको कम से कम 10-15 दिन तो लग ही जाते हैं न्यू एग वगैरह ले करने में। तो ये नेक्स्ट फ्रेम भी मैं डालने की कोशिश करूँगा। फुल ऑफ ब्रूड है, फ्रेश ब्रूड भी है इसमें, लार्वा स्टेज में भी है, बीच में सेंटर में आप अगर देख सकते होंगे तो, लेकिन इसमें भी एक क्वीन सेल है, ये देखें ये इस जगह पे क्वीन सेल है। अभी ये दो और एक तीसरा क्वीन सेल हो गया। अभी मैं सभी क्वीन सेल्स, एक इधर से भी है चौथा, ये यहाँ पे भी एक क्वीन सेल है, ये यहाँ पे क्वीन सेल अगर आपको नजर आ रहा हो तो, ये यहाँ पे ये देखो मेरी उंगली के साथ बिल्कुल, ये क्वीन सेल है। होगी चार क्वीन सेल्स, नहीं दो इसमें है तो दो इसमें होगी, चार और एक पांच, पांच क्वीन सेल्स अभी, लेकिन ओल्ड क्वीन अभी तक मुझे नज़र नहीं आई। तो ओल्ड क्वीन हमें नज़र आनी चाहिए, इसको भी मैं शिफ्ट करता हूँ उसी में वाले बॉक्स में। अब रह गए इसमें चार, चार फ्रेम और चार उसमें भी आ गए। तो अभी मैं कोशिश करूंगा एक फ्रेम और उसको देने की। ये देखो क्वीन मिल गई मुझे, इसको मार्क किया हुआ है, बहुत अच्छा क्वीन है ये काफी एग लेइंग वगैरह बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है इसकी, तो आजकल नेक्टर भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो अब क्वीन मिल गई मुझे, देखो क्वीन अंडे भी दे रही है यहाँ पे, तो लेकिन अब मैंने क्या है इसमें देखना, कोई दूसरा क्वीन सेल ना हो वो मुझे डैमेज करने होंगे। इसमें मुझे एक क्वीन सेल शायद दिख रहा है कहीं, उसको डैमेज करना पड़ेगा, बल्कि दो क्वीन सेल हैं इसमें भी। चलो इनको मैं पहले इस साइड करूँगा, क्वीन वाला फ्रेम जो है मैंने अलग से यहाँ पे रख लिया। इसमें क्वीन सेल थी यार, इसने कितने क्वीन सेल बनाए हैं, तकरीबन तकरीबन पांच तो वो हो गए, एक छ, एक सात, आठ, एक उधर दूसरे वाले पे हो गए आठ, बहुत ज्यादा क्वीन सेल बनाए इसने, पता नहीं कितने डिवीजन करनी थी। इनमें से कुछ क्वीन सेल्स मैं डैमेज कर लूँगा, ये जस्ट फ्रेश वाले क्वीन सेल्स हैं, इनको मैं डैमेज कर लूँगा, इसको भी मैं इधर रख लूँगा। ये हमारे अब एक फ्रेम, दो तीन चार और पांच इसमें मैंने डाले, और चार ही मैं इसमें रखूँगा और कुछ फ्रेश भी दूँगा, लेकिन इसमें जो क्वीन सेल्स हैं वो मैं अब रिमूव कर लूँगा, नहीं तो इससे भी डिवीजन हो जाएगी, उससे भी डिवीजन, उसमें से। अच्छा देखो क्वीन सेल मैंने उसमें तीन, ज़्यादा नहीं रखूँगा कुछ, मैं डैमेज कर लूँगा उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तीन क्वीन सेल्स रखूँगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वीन मिस हो जाती है, और क्वीन मिस होने के सेल के अंदर ही मिस हो जाती है, तो फिर अगर क्वीन फ्रेश नहीं निकली तो और ज़्यादा लेट हो जाता है। पहले मैं चेक कर लूँगा सभी, तकरीबन इसका भी
ये मैंने एक क्वीन सेल डैमेज कर लिया, देखो इसमें कितनी रॉयल जेली है। ये रॉयल जेली होती है, इसको कुछ लोग खाने के इस्तेमाल के लिए भी यूज़ करते हैं। इसमें काफ़ी ताकत होती है, इम्यून सिस्टम वगैरह इससे काफ़ी बढ़ जाता है आदमी का, तो इंसान भी इसका रॉयल जेली जो है खा सकता है। एक और सेल है इसमें, वो भी मैं डैमेज कर लूँगा। ये वाला फ्रेम मैंने ओल्ड वाले बॉक्स में ही रखना है, इसीलिए इसमें से मैं क्वीन सेल्स को डैमेज कर रहा हूँ। ये वाला फ्रेम मैंने पिछले दिनों डाला था, इसमें फॉर्म्स इन्होंने थोड़े थोड़े बना लिए हैं, तकरीबन हाफ हाफ बना ही लिए हैं। तो इसमें मैं क्वीन सेल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल ग्लोव्स के बिना और व्हील के बिना काम कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई तरीका होता है काम करने का, तो इसलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे मत काम किया करें, तो नहीं तो अगर बीज किसी टाइम भी एग्रेसिव हो सकती हैं तो वो अटैक भी कर देती हैं और ज़्यादा डैमेज भी कर सकती हैं इंसान का। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसमें अभी 3 फ्रेम रखे ओल्ड वाले, इसमें क्वीन भी मैंने रखी है। तो नीचे आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत कचरा है, ये मैं साफ़ कर लूँगा। ये जो आपको दिख रहा है ये ड्रोन ब्रूड की कैपिंग जो होती है वो है। कुछ हनी बीज भी थोड़ी बहुत मरी हुई है इसमें, डेड हैं। तो ये जो नीचे काफ़ी गंद पड़ी हुई है साफ़ करनी होती, नहीं तो इस गर्मी के सीज़न में फिर वैक्स मॉथ लार्वाज वगैरह भी इसमें बन जाते हैं, और बी कॉलोनी एब्सकॉन्ड भी हो सकती है। तो इसमें अब मैं 2 फ्रेम एक्स्ट्रा डालूंगा नए वाले, जिनमें फाउंडेशन शीट्स लगा लूँगा। और ये जो है डिवीज़न ऑलमोस्ट हो गई, इसमें कुछ क्वीन सेल्स थोड़े से मैं डैमेज भी कर लूँगा। उसमें मैंने 5 फ्रेम्स डाले, उसमें भी ब्रूड फुल भरा हुआ है, कैप्ड भी है, लार्वा स्टेज में भी है, इसमें भी कैप्ड भी है, लार्वा स्टेज में भी है। तो बस यही डिवीज़न करने का तरीका है। लेकिन मेन चीज़ मैं फिर से दोबारा से रिपीट करूँगा, ये जो फ्रंट है इसका, ये देखिए मैंने निशान रखा था स्टार्टिंग में, ये आपने दोनों का सेंटर करना है। तो इससे क्या होगा कि आधी बीज उसमें जाएंगी, आधी इधर जाएंगी, क्योंकि इन्होंने ओरिएंटेशन जो इनकी फ़्लाइट में इन्होंने देखा होता है कि सेंटर वो वाली पोजीशन, ये वहीं पे आ जाएंगी और वहीं से डिवाइड हो जाएंगी, कुछ उसमें जाएंगी और कुछ इधर भी आ जाएंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखो कुछ बीज इधर आ रही हैं और कुछ उधर जा रही हैं, तो इससे डिवीज़न में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और प्रॉपर डिवीज़न हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ जाए और आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा कि डिवीज़न कैसे करनी होती है अपनी कॉलोनी की। तो लेकिन अब हमने ध्यान ये रखना है कि नेक्स्ट 4-5 दिनों के बाद उसको चेक, दोनों कॉलोनीज़ को चेक करना है, कहीं न्यू क्वीन सेल्स तो नहीं इन्होंने बना ली है, नहीं तो फिर से ये डिवाइड हो जाएगी कॉलोनी और फिर बीज बहुत कम रह जाती हैं। हमारा मेन मकसद होता है कि बीज ज़्यादा से ज़्यादा डिवीज़न नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे बीज की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, वो विंटर्स में सर्वाइव भी करती हैं और उसको कोई हीटिंग कोई प्रॉपर नहीं करना होता है, हीट के लिए कोई पैकिंग नहीं करनी होती है, और ना ही उसको रॉबर्स भी अटैक करती हैं। तो जितनी वीक कॉलोनी होगी उतना ही अटैक रॉबर बीज का होगा और रॉबिंग वगैरह भी होगी। तो दूसरा मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि आपको बीज को कब इंस्पेक्ट करना है, क्या किस टाइम जो बेटर रहता है। बेटर टाइम ये होता है कि गर्मी के टाइम में, दिन के टाइम में, डे के टाइम में, जिस वक्त टेम्परेचर थोड़ा अच्छा हो उस वक़्त आपको कॉलोनी को इंस्पेक्ट करना है, देखना है। तो उस वक़्त बीज बिल्कुल काम शांति में होती हैं, इस वक्त भी आप देखें बिल्कुल काम बैठी हैं, आराम से बैठी हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो
इससे बीज भी बहुत कम अटैक करती हैं। जितना आप सुबह या शाम चेक करेंगे टेम्परेचर डाउन होगा तो उतना ही बीज अटैक ज़्यादा करती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। तो नेक्स्ट मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा जब नई क्वीन आ जाएगी उस वाले बॉक्स में, तो उसके बाद मैं वो वाला वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा ज़रूर इंशाल्लाह। तो